हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं हूँ कॉलेज में, तो 4 बजे की क्लास है, 3:30 हो गए हैं, कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा जाते जाते आपके क्वेश्चंस का कुछ आंसर्स दे दूँ कि स्टडी इन कनाडा क्या डिफरेंस है, इंडिया और कनाडा में जो स्टडी होती है उनका डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं असाइनमेंट्स, और हम सबके स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को अपनी लॉगिन आईडी एज वेल एज पासवर्ड गिवन होता है। तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड गिवन होने का क्या कारण है, उससे आपको एक स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपका एक मेन्यू ऑप्शंस खुल जाता है, जिसमें असाइनमेंट, ई बुक, इंस्ट्रक्शन प्लान, कौन सी चीज़ कब होगी, कौन से प्रोफेसर्स हैं और प्रोफेसर्स कौन से हैं, आपकी असाइनमेंट की ड्यू डेट कब है और आपको असाइनमेंट्स कैसे करनी है, वो सारी ई टेक्स्ट में पता लग जाएगा। क्योंकि जो बुक्स होती हैं, ई बुक्स, यहाँ पे ई बुक जो बुक्स हम लेते हैं ना, वो होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसकी जो कॉस्ट होती है वो $154 तक पहुँच जाती है। बहुत ज़्यादा आप रेंट पे भी ले सकते हो, बट मैं जो सजेस्ट करूँगा, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बैग है मेरे, उसमें बस क्लोथ्स है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, तो जिम जाने के लिए, उसके लिए जिम के लिए लोअर्स वगैरह यूज़ करता हूँ, तो फिर क्लोथ्स ही यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं ATS बिल्डिंग जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी क्लासेस हैं। और बात करते हैं असाइनमेंट, डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस सब ऑनलाइन हो जाता है, आपका रिजल्ट, आपका असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, बुक्स। तो क्लासेस मेरी हैं 4 to 9, 4 डेज लगती हैं, 3 दिन छुट्टी होती है, 3 डेज छुट्टी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हालांकि अभी जॉब नहीं मिली है। तो स्टडी का तो यही है, यही मैंने बताना था कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इतना पैसा लगा रहे हैं हम किस बेस पे, बढ़िया स्टडी है, कैसी स्टडी है, टफ है, टफ़ तो नहीं कहेंगे, इजी है अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाओ, क्योंकि 3 वार्निंग्स मिलती हैं। अगर आप क्लासेस लगा रहे हो, क्लासेस लगाते लगाते आपने मिस कर दी विदाउट डूइंग मेल इन्फॉर्मिंग दी प्रोफेसर, प्रोफेसर को आपने इन्फॉर्म नहीं किया और आप क्लासेस बंक कर रहे हो, तो आपको वार्निंग लेटर आ जाएगी कॉन्स्टेबल की तरफ से। तो बहुत स्ट्रिक्ट है कॉलेज वाले, कि वो चाहते हैं कि सारी क्लासेस लगाएं, और क्लासेस और जो छुट्टी होती है वो डिपेंड करती है प्रोफेसर पे। अगर जो टॉपिक हमारा 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद छुट्टी कर सकते हैं, और उसके बाद जब छुट्टी कर देगा प्रोफेसर, उसके बाद आप घर जा सकते हो। बट वो उसकी डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रोफेसर के साथ कितनी बनी हुई है, अगर प्रोफेसर कहते हैं कि यू कैन गो, यू कैन लीव, अदरवाइज आप जा नहीं सकते। तो अभी मेरी असाइनमेंट्स ड्यू रहती हैं, तो मैं अपना जल्दी आ गया था असाइनमेंट्स के लिए, और बस यही तो बताना था आपको। बाकी अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी और मुझे भी थोड़ी हेल्प होगी, और मुझे अच्छा लगता है। आप क्वेश्चंस पूछना बंद ना करिएगा, और स्टे कनेक्टेड, सारी वीडियोस देखो, जो अच्छी ना लगे वो बताओ, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।